Hello students, how are you? I'm sure all of you must be so amazing. I'm Rajni Mamgai, biology master teacher at Vedantu, and we are going to discuss excretion today. So hame pata hai, excretion is the part of life processes. Bahut important hai hamari jeevan ke liye. राइट तो ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें ऑब्वियसली एक्सक्रीशन में प्रेजेंट है अमेजिंग पार्ट है. सो लाइफ प्रोसेसेस मतलब जीने के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस बॉडी में चलते हैं, न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है और एक्सक्रीशन भी उसमें से एक है. सो यही आज हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले फॉर KVPY CSA. सो ऐसे लेवल के लिए जितना इम्पोर्टेंट है वो सब हम डिस्कस करेंगे अच्छे से एकदम राइट. सो लेट मी शो यू वट इज एक्सक्रीशन. तो जब हम एक्सक्रीशन की बात करें तो हमें पता है यार कि बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को एलिमिनेट करने के प्रोसेस को, रिलीज आउट करने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं. सो मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जो भी बॉडी में केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं राइट. जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, हमें पता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते हैं, उसके वजह से कुछ प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो कि टॉक्सिक है, नॉट गुड फॉर बॉडी, और उनको एक्सक्रीट आउट करना है. तो जैसे एग्जाम्पल क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल तो जैसे कि CO2 बनता है सेलुलर रेस्पिरेशन से बॉडी में. तो बॉडी ऑक्सीजन यूज करके ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी निकालेगी और CO2 भी प्रोड्यूस करती है. तो CO2 जो है वो एक एक्सक्रीटरी वेस्ट है जिसको एक्सक्रीट आउट करेगा, एक्सक्रीट आउट बाय लंग्स. तो यहाँ पे इसको लंग्स से बॉडी से बाहर निकाल के फेंक देते हैं. ऐसे ही हमारी स्किन में होते हैं स्वेट ग्लैंड, हमारे स्किन में होते हैं वैक्स ग्लैंड. तो स्वेट और वैक्स का कंपोजिशन में भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं. लिवर एक्सक्रीट आउट करता है और बनाता है ये बाइल पिगमेंट्स. तो बाइल पिगमेंट्स भी बचा यहाँ पे वेस्ट होते हैं जो बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाते हैं ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट इज द मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है. ऑब्वियसली ये हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे. तो मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट जो बॉडी में जनरेट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो बॉडी से फेंक देंगे. तो नाइट्रोजनस वेस्ट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का प्रोड्यूस होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट बेसिकली बहुत सारे टाइप के होते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिज्म राइट. तो सबसे पहले हम लिखेंगे अमोनोटेलिज्म, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म. तो अमोनोटेलिक मतलब ये अमोनिया रिलीज करेंगे. तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करने वाले, नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करने वाले ऑर्गेनिज्म होते. सो सबसे पहले है अमोनोटेलिक. सो मीन्स अमोनिया रिलीज करेगा. यूरियोटेलिक वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिया रिलीज करेंगे. यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक मतलब यूरिक एसिड को रिलीज करेंगे. तो अब ये क्या एक्सक्रीट करते हैं ये ऑर्गेनिज्म जो अमोनोटेलिक होते हैं, ऑब्वियसली अमोनिया रिलीज करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं. ये यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं. और कितना वाटर लॉस होता है इनको एक्सक्रीट करने के लिए, तो अमोनिया को चाहिए होता है हाई अमाउंट ऑफ वाटर. तो यहाँ पे हाई अमाउंट चाहिए होता है, तो काफी ज्यादा पानी निकलता है बाहर अमोनिया के साथ. इसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होता है और इसमें लीस्ट अमाउंट, तो मतलब यहाँ पे ये वाटर कंजर्वेटिव यूरिक एसिड है. तो मतलब जो भी यूरिक एसिड पड़ेंगे मतलब बनाते हैं कंजर्वेटिव, ये वाटर को कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है, पानी को बचाता है बॉडी में, क्योंकि बहुत कम पानी यूरिक एसिड के साथ बाहर जाता है. अब यहाँ पे टॉक्सिसिटी की अगर बात करें कि कौन कितना टॉक्सिक है, तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया, और इसको जितनी जल्दी हो सके बॉडी से फेंकना होता है, बहुत पानी चाहिए होता है इसको फेंकने के लिए. यहाँ पे ये मॉडरेट अमाउंट में टॉक्सिक होता है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये लीस्ट अमाउंट टॉक्सिक होता है. तो बहुत अच्छी बात है, ये सबसे कम टॉक्सिक होता है. तो हमारी अगर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे ये कहाँ कहाँ बन रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली अमोनोटेलिक कौन से ऑर्गेनिज्म है, जैसे बोनी फिश हो गई. और अमोनोटेलिक बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एफोर्ड कर सकते हैं बहुत सारा पानी लॉस करना अमोनिया के साथ. तो मतलब ये वही ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहेंगे, वही उन्हीं के पास भरमार है, वही पानी की वही कर सकते हैं वाटर इतना लॉस. तो ऑब्वियसली एक्वेटिक एनिमल्स में बेसिकली ये देखा जाता है राइट.
एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए, उसके अलावा यहाँ पे एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं अमोनिया, क्योंकि इनके पास भरमार है भाई पानी का, पानी में रह रहे हैं। नेक्स्ट यूरिया एक्सक्रीट करते हैं हम मैमल्स, तो हमारी बॉडी में बनता तो अमोनिया है वैसे, और उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि अमोनिया होता है हाई टॉक्सिक, और बेटा हाई टॉक्सिक है तो हमारी बॉडी इसको झेल नहीं पाएगी, तो इसलिए इसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करना होता है। तो कहाँ होता है ये कन्वर्जन? ये होता है बेटा लिवर में। लिवर में यूरिया साइकिल चलती है, और जिसमें अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो याद रखना, लिवर बनाता है यूरिया, भले उसको बाहर किडनी निकालती है, लेकिन बनाता लिवर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल क्या है? अगर हम यूरियोटेलिक के एग्जाम्पल देखेंगे तो मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, कार्टिलेजनस फिशेस। तो यहाँ पे कार्टिलेजनस फिशेस होती हैं, ये भी इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। यूरिकोटेलिक के एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, लैंड स्नेल लिखा हुआ है इसमें, ठीक है? तो ये भी ऑब्वियसली इसका एग्जाम्पल है। इवन लैंड इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी सारे यूरिकोटेलिक होते हैं, जो आपको याद रखना है। सो मींस दे आर रिलीजिंग लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिक एसिड, और इसको पानी भी कम होता है, तो यहाँ पे ये वाटर कंजर्व कर सकते हैं अपनी बॉडी में काफी ज्यादा, राइट? तो ये चीज आपको याद रखना है। तो दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट दी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट इज एक्सक्रीटिंग आउट डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट। गॉट इट? नाउ लेट मी टेक यू अहेड। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, तो अमोनोटेलिक वगैरह हमने देख लिए। आपसे मैं पूछूंगी कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजनस, सबसे ज्यादा यूरिया कौन सी ब्लड वेसल में हमारी बॉडी में मिलेगी? तो आई विल आस्क यू, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ होता है? सो मोस्ट अबंडेंट यूरिया प्रेजेंट इन लिवर में बनता है यूरिया, एज आई हैव टोल्ड यू। तो ऑब्वियसली हिपैटिक मतलब लिवर होता है वेन, तो जो ब्लड लिवर से आ रहा है तो उसमें होगा बहुत ज्यादा यूरिया। और लीस्ट मतलब सबसे कम यूरिया कौन सी ब्लड वेसल में होगा? तो किडनी यूरिया को फिल्टर आउट करती है, तो जो ब्लड फिल्टर आउट होकर आएगा किडनी से वो होता है रीनल वेन। तो ये यहाँ पे लीस्ट अबंडेंट यूरिया रीनल वेन में होता है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, क्योंकि वही है जो इसको एक्सक्रीट आउट करता है। तो लेट्स सी इट नाउ इन अ वेरी वेरी डिटेल वे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये सारे स्ट्रक्चर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के हैं। इसमें पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, एक यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरेथ्रा, और उसकी ओपनिंग के थ्रू यूरिन बाहर आएगी। तो किडनी बनाएगा यूरिन, एंड ऑब्वियसली इट विल कम आउट थ्रू द यूरेटर, उसके बाद वो यूरिनरी ब्लैडर में भरेगा, और यूरेथ्रा के थ्रू इट विल कम आउट। सिंपल, दिस इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ये किडनी का पार्ट है, और ऑब्वियसली दिस इज द एओटा। एओटा सबको पता है, हार्ट से ब्लड लेकर आता है और सारे ऑर्गन्स को बांटता है। तो यहाँ पे एओटा से ब्लड आएगा, और एओटा की जो ब्रांच किडनी में एंटर करती है दैट इज द रीनल आर्टरी। तो आर्टरी ब्लड को लेकर जाएगी किडनी के सारे यूनिट्स के पास। फिर उसके बाद यहाँ पे फिल्टर होने के बाद ब्लड रीनल वेन से बाहर निकलेगा, रीनल वेन ब्लड लेकर जाएगी वेना कावा में, और वेना कावा हमें पता है वापस से ब्लड हार्ट में लेकर जाता है, ठीक है? फिल्टर्ड ब्लड। तो यहाँ पे रीनल वेन में लीस्ट यूरिया होता है, क्योंकि फिल्टर्ड ब्लड, फिल्टर हो गया है ब्लड, यूरिया वगैरह निकल गया है, एंड इट विल बी हैविंग लीस्ट यूरिया, विच यू हैव टू रिमेम्बर। एंड देन नाउ दिस ब्लड विल गो टू हार्ट। सो दिस इज किडनी, और किडनी का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली कैसा वो दिखता है, वी विल बी सीइंग इट। तो यहाँ पे ये किडनी है। सो किडनी इज बीन शेप स्ट्रक्चर एज वी कैन सी। इसका ये एक कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, रीनल फैसिया इसको बोलते हैं। तो दिस इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द किडनी। देन नेक्स्ट जो लेयर है इट विल बी एडिपोज टिश्यू के लिए। सो नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू, जो कि एक फैट के लेयर ऑब्वियसली
बनाता है, फैट स्टोर करता है, और जिसका काम शॉक एब्जॉर्ब करना होता है, कुशन की तरह काम करेगा। वी नो कि किसी भी सॉफ्ट ऑर्गन के अराउंड फैट है तो वो शॉक एब्जॉर्ब करता है, कुशन की तरह काम करेगा। और तीसरी लेयर जो है वो है रीनल कैप्स्यूल। दीज थ्री आर प्रोटेक्टिव लेयर। तो पहला है रीनल फेसिया, सेकेंड एडिपोस एंड थर्ड रीनल कैप्स्यूल। अब किडनी के अंदर जो है, अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो ऑब्वियसली इट इज हैविंग द टू पोर्शन। सो आउटर कॉर्टेक्स पार्ट, किडनी का जो पार्ट होता है आउटर पार्ट, आउटर रीजन नोन एज कॉर्टेक्स, एंड इनर मिड्यूला, और मिड्यूला पिरामिड शेप में होते हैं। तो मिड्यूलरी पिरामिड शेप, तो मिड्यूलरी पिरामिड शेप में यहां पे मिड्यूला प्रेजेंट है। गॉट इट? नाउ इफ यू विल गो अहेड, दिस इज द किडनी, इट इज हैविंग मिड्यूलरी पिरामिड। कॉर्टेक्स का कुछ रीजन एक्सटेंड करता है मिड्यूला रीजन में, यू कैन सी कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट बीच बीच में भी एक्सटेंड कर रहा है मिड्यूला के स्पेस में। तो मतलब मिड्यूला स्पेस मतलब मिड्यूला पिरामिड के बीच में जो स्पेस है, तो ये जो एक्सटेंड पार्ट है कॉर्टेक्स रीजन का, इट इज नोन एज कॉलम ऑफ बर्टनी। सो कॉलम ऑफ बर्टनी क्या है? कॉर्टेक्स का एक्सटेंड पार्ट, राइट? सो इट इज द एक्सटेंड पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स इन मिड्यूला। तो मिड्यूला में भी एक्सटेंड कर गया ये, दैट इज द कॉलम ऑफ बर्टनी। एंड वी नो दैट जो किडनी होता है इट इज हैविंग द कॉनकेव नॉच ऑन वन सरफेस विच इज नोन एज हाइलम। सो हाइलम क्या है? वो कॉनकेव नॉच है जो कि क्या करेगा, यहाँ पे इसके थ्रू यू नो पैसेज होगा ब्लड वेसल का, नर्व सप्लाई का। सो इट्स अ पैसेज ऑफ नर्व सप्लाई, ब्लड वेसल्स एंड ऑल। तो यहाँ पे किस किस का पैसेज है? पैसेज ऑफ ब्लड सप्लाई, उसके अलावा ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाई। तो ये नर्व सप्लाई का पैसेज है, यहां से नर्व सप्लाई एंटर करेगी किडनी में। उसके अलावा लिम्फ सप्लाई, यूरेटर, यूरेटर यहीं से पास करेगा और ऑब्वियसली यूरिन को लेकर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के पास। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, तो यहाँ पे ये किडनी है, किडनी में है मिड्यूला, मिड्यूलरी पिरामिड स्ट्रक्चर ऐसे, एंड ऑब्वियसली इट इज हैविंग द नीडल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे। कुछ पार्ट इनका कॉर्टेक्स में और कुछ मिड्यूला में होता है, दैट इज नोन एज नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन को यूरिनिफेरस टिब्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि यही है जो जहां पे यूरिन बनता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टिब्यूल, तो दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब सारे मिड्यूला ना छोटे छोटे से डक्ट में खुलते हैं, सो वी आर हैविंग मेनी डक्ट्स, तो छोटे छोटे से डक्ट में खुलेंगे, ठीक है? और ये डक्ट जो है वो फिर बड़ी डक्ट में खुल रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे डक्ट में खुलेंगे और फिर ये ऐसी बड़ी बड़ी डक्ट्स में खुल रहे होते हैं। तो जो छोटी छोटी डक्ट्स हैं, दैट इज द माइनर कैलिक्स। तो माइनर कैलिक्स मतलब जहां पे एक्चुअली में सारे के सारे मिड्यूला का नेफ्रॉन खुलेगा, और माइनर कैलिक्स फिर बड़ी डक्ट में खुलेगा, दैट इज द मेजर कैलिक्स। तो ये खुलेगा मेजर कैलिक्स में, और मेजर कैलिक्स फिर यहां एक स्पेस में खुलेगा जिसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। तो फिर यहां पे ये फनल शेप्ड रीनल पेल्विस में खुलता है। तो रीनल पेल्विस इज एक्चुअली फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। तो ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है जहां पे मेजर कैलिक्स खुलता है, और रीनल पेल्विस जो है वो फाइनली यूरिन को लेकर जाएगी यूरेटर से बाहर। तो बच्चा यहां पे ये फाइनली खुलेगा यूरेटर में। तो इफ वी सी स्ट्रक्चर इट विल बी लाइक दिस ओनली, राइट? तो यू कैन सी दिस डायग्राम हियर। तो बच्चा ये देखो, ये है मिड्यूलरी पिरामिड, एंड ये बाहर का स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स, ये कॉलम ऑफ बर्टनी है जिसमें कॉर्टेक्स पार्ट एक्सटेंड है।
उसके बाद यहाँ पे ये खुलेंगे माइनर कैलिक्स में, तो छोटी छोटी ट्यूब्स होंगी, दैट इज द माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स खुलती हैं बेटा मेजर कैलिक्स में, ठीक है, बड़ी बड़ी कैलिक्स में, तो मेजर रीनल कैलिक्स में खुलेंगी। ये वाला पार्ट है रीनल पेल्विस का, तो ये है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस फिर फाइनली यूरिन को यूरेटर के थ्रू बाहर लेकर जाएगा। तो दैट्स ऑल, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स लिखी हुई है यहाँ पे। किडनी के बारे में अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे जो ये रीढ़ की हड्डी होती है, राइट। तो मतलब रीढ़ की हड्डी में एक थोरासिक वर्टिब्री होती है, तो लास्ट थोरासिक रीढ़ की हड्डी और लंबार रीजन तक, लंबार वर्टिब्रे तक ये प्रेजेंट होती है, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो थर्ड लंबार वर्टिब्रे तक ये प्रेजेंट होती है, तो मतलब सिंपल हमारे इस रीजन में प्रेजेंट होगी, थोरासिक और लंबार के बीच में। उसके बाद यहाँ पे हाइलम मैंने बता दिया कि एक नॉच है जहां से यूरेटो, ब्लड वेसल, नर्व ये सब एंटर एग्जिट करती है, पास करती है। रीनल पेल्विस मैंने बता दिया कि बहुत सारे कैलिक्सिस इस जोन में खुलते हैं, राइट। एंड ऑब्वियसली किडनी हैव टू रीजन, आउटर कॉर्टिक्स, इनर मेड्यूला, तो ये सब हमने देख लिया। जो वेट होता है ना किडनी का, पता है कितना होता है? तो अगर हम वेट देखेंगे किडनी का, तो इट्स अप्रॉक्स 120 to 170 ग्राम होता है। इसकी लेंथ देखेंगे तो लेंथ अप्रॉक्स 10 to 12 सेंटीमीटर होता है। इसका अगर ब्रेथ देखेंगे, चौड़ाई देखेंगे, तो बच्चा इट्स अप्रॉक्स, सॉरी, थिकनेस, हाँ, ब्रेथ 5 to 7 सेंटीमीटर। और अगर इसका यहाँ पे थिकनेस देखेंगे, मोटा कितना है, तो थिकनेस इज विल इट विल बी 2 to 3 सेंटीमीटर। तो जैसे लेंथ 10 से 12 हो गई, उसका आधा हो गया ब्रेथ, मतलब 5 से 7 अप्रॉक्स, और 5 से 7 का भी आधा कर देंगे तो 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होती है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किडनी के पार्ट। किडनी में जो जो चीजें हैं मैंने सारी अच्छे से बताई। तो मैंने क्या कहा कि बेटा यहाँ पे मिड्यूला, मिड्यूलरी पिरामिड, मिड्यूलरी पिरामिड कहाँ खुलेगा? तो सबसे आउटर रीजन किडनी का कॉर्टेक्स है, अंदर मिड्यूला, इनर पार्ट मिड्यूलरी पिरामिड है, जो खुलेगा मेजर, सॉरी, माइनर कैलिक्स में। और माइनर कैलिक्स खुलते हैं मेजर कैलिक्स में। तो मतलब मिड्यूलरी पिरामिड में नेफ्रॉन से जितने भी यूरिन बन रहा है वो सब कलेक्ट होकर माइनर कैलिक्स में जाएगा, और माइनर कैलिक्स से कहां जाएगा? मेजर कैलिक्स में। सिंपल, माइनर कैलिक्स से कहां जाएगा? मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स से कहां जाएगा? ऑब्वियसली इट विल ओपन इन द रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से कहां जाएगा? इट विल ओपन टू यूरेटर। यूरेटर से कहां जाएगा यूरिन? यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से कहां जाएगा? बाहर, यूरेथ्रा के थ्रू आउट। सो यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा, यूरेथ्रा से, यूरेथ्रल अपर्चर के थ्रू बाहर, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अगर हम यूरेटर की बात करें तो वी नो दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, डिस्टेंसिबल ट्यूब होती है, स्ट्रेचेबल ट्यूब होती है, स्ट्रेचेबल ट्यूब होती है, जो यूरिन को कहां लेकर जाएगा? इट विल पास यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। सो पास यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, सिंपल। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर? सो वी नो दैट यूरिनरी ब्लैडर इज एक्चुअली हैविंग दिस शेप, ऐसे मीडियन, बॉडी के मीडियन में प्रेजेंट होता है। तो मीडियन पायरीफॉर्म, पायरीफॉर्म मतलब पेयर शेप्ड होता है। तो पायरीफॉर्म स्ट्रक्चर, पेयर शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी के मिड में प्रेजेंट होता है, जो हमें भी पता है, राइट, हमने देखा है, सिंगल है। अब मीडियन पायरीफॉर्म स्ट्रक्चर पेयर शेप्ड होता है, इन्वर्टेड पेयर शेप। और ऑब्वियसली ये कहां खुलेगा फिर? यूरेटस में खुलता है। इसके पास मसल होती है जो कि काफी स्ट्रेचेबल, कॉन्ट्रैक्ट करती है यूरिन के टाइम पर, राइट, और मतलब खूब सारा यूरिन को स्टोर भी कर देती है। तो ये क्या करेगा? इट विल हेल्प इन टेम्पररी स्टोरेज ऑफ यूरिन।
यूरिन को टेम्पररी स्टोर कर लेगा, ये आपको याद रखना है. एंड यूरेथ्रा का काम क्या होगा, तो यूरेथ्रा टेक द यूरिन आउट. तो अगर हम यूरेथ्रा की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो यूरेथ्रा है ये बाहर लेकर जाएगा इसको, ठीक है. तो फीमेल के केस में यूरेथ्रा का साइज शॉर्ट होता है, इन केस ऑफ मेल ये लॉन्ग होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है. एंड ऑब्वियसली इट विल टेक द यूरिन आउट, तो ये यूरिन को बाहर लेकर जाता है. इवन मेल में सबसे अमेजिंग बात ये है कि यूरेथ्रा सिर्फ यूरिन नहीं, गैमेट्स को भी बाहर लेकर जाएगा, सीमन को भी बाहर लेकर जाएगा. तो इसलिए मेल के केस में ये दोनों काम करता है, तो इसलिए इसको यूरिनो जेनिटल पैसेज भी बोलते हैं और ट्यूब भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये यूरिन प्लस गैमीट दोनों को मेल में बाहर लेकर जाएगा. लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल में सिर्फ ये यूरिन लेकर जाएगा और ऑब्वियसली गैमीट पैसेज के लिए या फिर रिप्रोडक्टिव पैसेज के लिए एक अलग ओपनिंग होती है, ठीक है. तो ये चीज आपको याद रखनी है, दैट्स ऑल. तो अब जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों मैंने अब ये सारे आपको बता दिए, मेजर माइनर कैलिक्स. देखो अब यहाँ पर दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो किडनी का आउटर रीजन कॉर्टेक्स है, इनर मिडुलरी पिरामिड है. बीच में जो स्पेस यहाँ पे है जहां पे कॉर्टेक्स एक्सटेंड करेगा, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी है. तो जहां पे कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन द मिडुलरी पिरामिड के बीच में ये एक्सटेंड कर रहा है. मिडुलरी पिरामिड माइनर कैलिक्स में खुलेंगे, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में खुलेगा, ये मेजर कैलिक्स है. और मेजर कैलिक्स रीनल पेल्विस में खुलेगा, रीनल पेल्विस फाइनली यूरिन को यूरेटर में लेकर जाएगा, ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर है हमारी किडनी का. अब फाइनली मैंने कहा कि भाई किडनी में जब मैंने आपको डायग्राम दिखाया तो मैंने कहा भाई देखो ऐसे नीडल लाइक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन का आधा पार्ट कॉर्टेक्स और आधा पार्ट मिड्यूला में होता है जैसा हमें दिख रहा है डायग्राम में, ठीक है. तो एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, 1 मिलियन नेफ्रॉन जो कि बहुत ही ज्यादा काम कर रही है बेचारी, वर्किंग हार्ड एवरी टाइम, नो किस लिए, यूरिन बनाने के लिए भाई, ठीक है. तो ऑब्वियसली नेफ्रॉन मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है. तो अगर हम इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे ना बेटा, तो इसमें देखो देख रहे हो कैसे, तो यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं. तो यहाँ पे नेफ्रॉन के होते हैं दो पार्ट, क्या होते हैं जी वो, तो पहला पार्ट जो होता है दैट इज द ग्लोमेरुलस. अब ये ग्लोमेरुलस क्या है, और दूसरा पार्ट होता है रीनल टिब्यूल का. तो अब देखो क्या है ये सारा, आई विल एक्सप्लेन इट. तो बेटा ये है किडनी, मैंने कहा किडनी में जो ब्लड जाएगा रीनल आर्टरी लेकर जाएगा, जिसमें ऑब्वियसली यूरिया वगैरह प्रेजेंट होगा जिसको फिल्टर करना है, और नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, वाटर ज्यादा में होगा तो वो भी बाहर निकल जाएगा. तो अब ये एक एक मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन में इसने पहुंचना है, तो ऑब्वियसली बात है यार ये ब्रांच में डिवाइड होगा और फिर ब्रांच में जा जाकर बहुत सारी मिलियंस ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड होगा. तो मतलब रीनल आर्टरी की जो छोटी छोटी ब्रांचेस एक एक नेफ्रॉन तक पहुंचेंगी, दैट इज द एफरेंट आर्टेरियोल. तो बेटा ये एफरेंट आर्टेरियोल किसकी ब्रांच है, रीनल आर्टरी की ब्रांच है ये, जो कि ब्लड को लेकर आ रही है एक एक नेफ्रॉन में. और ये एफरेंट आर्टेरियोल फिर इस गुच्छे में खुल रही है, विच इज द टफ्ट, मतलब गुच्छा ऑफ कैपिलरीज. आई एम श्योर दैट सबको पता है कैपिलरीज क्या है, राइट. तो मतलब यहां पे अगर हम बात करेंगे नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन के दो पार्ट मैंने कहा, पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस क्या है मैंने डायग्राम में अब भी दिखाया, दीज आर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. टफ्ट मतलब गुच्छा है भाई पूरा, ठीक है. तो पूरा गुच्छा है कैपिलरीज का, और यहां पे इसका काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करके डाल देना वोमेंस कैप्सूल में. और जो फिल्टर्ड ब्लड है वो इफरेंट, इफरेंट मींस एग्जिट, ई फॉर इफरेंट, ई फॉर एग्जिट. तो ब्लड को एग्जिट करके लेकर जाएगा आगे. बेटा अब देखो ये पूरा पीला पोर्शन दिख रहा है सबको, तो ये जो पीला पोर्शन है ना वो रीनल टिब्यूल का पार्ट है. दूसरा पार्ट क्या है नेफ्रॉन का, रीनल टिब्यूल. तो यहां पे ये पहला पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का, और दूसरा पार्ट है कौन सा, रीनल टिब्यूल. तो रीनल टिब्यूल में क्या क्या आता है बेटा, यहां पे रीनल टिब्यूल में आता है बोमेंस कैप्स्यूल,
तो बॉमेंस कैप्सूल क्या है देख लो आप, ये दिख रहा है सबको, ये येलो कलर का एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, डबल वॉल्ड, एक इसकी ऐसे आउटर वॉल, एक आउटर वॉल है, एक इनर वॉल है। तो डबल वॉल्ड बॉमेंस कैप्सूल है, ये डबल्ड वॉल है, और ऑब्वियसली इस डबल वॉल स्ट्रक्चर के बीच में स्पेस है, दैट इज नोन एज कैप्सुलर स्पेस, जहां पर चीजें छनकर इकट्ठी होंगी, जहां से ब्लड से चीजें छनकर इकट्ठी होती है, एंड फाइनली वो इस कॉइल्ड ट्यूब में खुले गए। दूसरी पीली 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 ट्यूब दिख रही है, काफी कॉइल है, इट इज नोन एज पीसीटी, दैट इज प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल मतलब पहला, कॉइल्ड मतलब हाई, कॉन्वोल्यूटेड मतलब हाईली कॉइल्ड ट्यूब है, तो ये पहला रीजन है जो काफी कॉइल्ड है, तो दैट मीन्स रीनल ट्यूब्यूल का दूसरा पार्ट है पीसीटी। और नेक्स्ट यहां पे ये पूरी दिख रही है, देखो ये हेयर पिन बेंट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे यू शेप का स्ट्रक्चर है पूरा, तो ये है हेनलीज लूप। तो ऑब्वियस ही बात है पीसीटी के बाद हमारे पास लूप ऑफ हेनले होते हैं, LOH मतलब लूप ऑफ हेनले। तो इसका डिसेंडिंग लिंब होगा और एक असेंडिंग लिंब होगा, तो ये पूरा पीला पोर्शन मैं बता रही हूँ, ये रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है। और फाइनली लूप ऑफ हेनले के दोनों ट्यूब्स असेंडिंग डिसेंडिंग मिलकर यहाँ डीसीटी में खुलेंगे, दैट इज डिस्टल मतलब बाद वाली, कॉन्वोल्यूटेड मतलब हाईली कॉइल्ड ट्यूब। सो अब ये खुलेगा डीसीटी में, तो ये सारे पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल के। एंड फाइनली बहुत सारे डीसीटी ऑफ बहुत सारे नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी खुलते हैं इस डक्ट में, विच इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो, उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी ओपन होते हैं, तो कलेक्टिंग डक्ट में आप लिखेंगे दैट मेनी डीसीटी ऑफ वेरियस नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी यहां खुलते हैं, ओपन हियर। और ये फिर यूरिन कलेक्ट करके माइनर कैलिक्स को दे देगा, माइनर कैलिक्स कहां ले जाएगा, बाहर, ठीक है, तो दैट वी विल बी सी। तो बच्चा दिस इज एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ वन नेफ्रॉन, जिसमें मैंने कहा दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस जो कि ये पूरा टफ्ट गुच्छा है कैपिलरीज का, और दूसरा पार्ट होता है इसका रीनल ट्यूब्यूल, जिसमें मैंने पूरे पीले पार्ट बता दिया आपको। अब एक बहुत मजेदार बात देखो इस पूरे डायग्राम में, कि रीनल आर्टरी की जो ब्रांच है जहां से ब्लड आएगा, तो चलो मैं ब्लड सप्लाई बताती हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें पता है यार, रीनल आर्टरी आती है ब्लड लेकर हमारी किडनी में। अब इस रीनल आर्टरी को भाई एक एक नेफ्रॉन के पास जाना है, तो ये मिलियंस ऑफ ब्रांच में छोटी ब्रांचेस में टूट जाती है, डिवाइड हो जाती है, और एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो ब्रांच है जो कि ऑब्वियसली वो में ये एक एक नेफ्रॉन में ब्लड लेकर जाएगी। अब एफरेंट आर्टेरियोल खुलता है ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस वो है जो कि फिल्टर करेगा ब्लड को, और जो भी फिल्टर चीजें हैं वो बॉमेंस कैप्सूल के स्पेस में चले जाएंगे। फिर ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर, बच्चा ये ब्लड फ्लो बता रही हूँ कि ब्लड फ्लो किस डायरेक्शन में चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, ठीक है। तो अब ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होने के बाद एफरेंट आर्टेरियोल में जाएगा, जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, ई फॉर एग्जिट भी बताया था। और एफरेंट आर्टेरियोल के बाद आप खुद देखें, यहां पे एफरेंट आर्टेरियोल फिर बाहर गया नहीं, ये ट्यूब के अराउंड गुच्छा बनाने लगा, पूरा ऐसे एकदम कॉइल कर दिया उसको, एकदम छोटी-छोटी उसकी ट्यूब्स में, और इन छोटी-छोटी ट्यूब्स ने जिनको जिसने यहां पे पूरी ट्यूब को कॉइल किया है, दीज आर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये इसी की ही एफरेंट आर्टेरियोल के ही ब्रांचेस है जो कैपिलरीज में टूट रही है, कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है और पूरे ट्यूब्यूल को लपेट रही है, ठीक है। क्यों, इसका भी पर्पस है, तो वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी होती हैं पेरी मतलब अराउंड, ट्यूब्यूलर मतलब ट्यूब के अराउंड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, गॉट इट। सो मतलब ट्यूब के अराउंड जितनी भी कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, दीज आर पेरिट्यूबुलर, पेरी मतलब अराउंड, ट्यूब्यूल यानी रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड जितनी कैपिलरीज यहाँ पे लपेटी हुई है, दैट इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और इसी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का एक यू शेप्ड जो कि हेनलेज लूप के पैरेलल घूम रहा है, देख लो बेटा यहाँ पे ये जो पैरेलल घूम रहा है लूप ऑफ हेनले के, दिस इज द वासा रेक्टा। तो बच्चा वासा रेक्टा इज द पार्ट ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, एंड जो फाइनली
ओपन होते हैं यहाँ पे बाहर निकलकर ये कैपिलरीज रीनल वेन में, तो वेन ब्लड को वापस हार्ट में लेकर जाएगा वेना कावा के थ्रू। तो चलो बताओ इफरेंट आर्टेरियोल किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, किसमें डिवाइड हो रहा है, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में, गॉट इट। तो ये डिवाइड हो रहा है पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, एंड पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज फाइनली जो अराउंड दी एनलेज लूप यू शेप्ड बन रहा है, दैट इज दी वासा रेक्टा। और फाइनली सारी ट्यूब्स मिलकर कहां जा रही हैं, तो ये फाइनली सारी ओपन हो रही हैं रीनल वेन में, रीनल वेन में खुलेंगी ये सारी की सारी, और रीनल वेन ब्लड कलेक्ट करके, फिल्टर्ड ब्लड को कलेक्ट करके बाहर लेकर जाएगा, ठीक है, बाहर मतलब हार्ट के पास। तो बच्चा देखो एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आएगा और यहाँ पे कैपिलरीज में जाएगा खूब प्रेशर के साथ, क्योंकि आर्टरीज में ऑब्वियसली प्रेशर होता है, आर्टेरियोल रीनल आर्टरी का ही ऑब्वियसली ये है क्या बोलते हैं ब्रांच है, तो खूब तेजी से प्रेशर आता है और चीजें फिल्टर होकर ग्लोमेरुलस से, ये ग्लोमेरुलस है, तो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर बाहर मतलब फिल्टर होकर ये बॉन्स कैप्सूल में चला जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, और ग्लोमेरुलस एंड वोमेंस कैप्सूल को साथ में ये दोनों फिल्ट्रेशन में मदद करती है, दोनों साथ में फिल्ट्रेशन करती है ब्लड का। तो बच्चा वोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को साथ में मैल्फीजियन कॉर्पसल भी बोलते हैं, तो इसको मैल्फीजियन कॉर्पसल और मैल्फीजियन बॉडी भी बोलते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज कि व्हाट इज द मैल्फीजियन बॉडी, दोनों को साथ में मिलकर यहाँ पे मैल्फीजियन कॉर्पसल और मैल्फीजियन बॉडी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो मैंने फिर कहा कि आर्टरीज में प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है, तो ग्लोमेरुलस में भी बड़े प्रेशर से ब्लड आएगा एंड ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन में मदद करता है वो। मैंने आपको पूरा ब्रांच बता दिया ब्लड का, कैसे कैसे यहाँ पे ब्लड आ रहा है और चीजों को फिल्टर करेगा, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दी यूरिन फॉर्मेशन नाउ, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अगर हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करेंगे तो याद रखना यूरिन फॉर्मेशन जो है वो तीन स्टेप में होता है, थ्री स्टेप्स में होता है। तो वो तीन स्टेप कौन से हैं, पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीअब्सॉर्प्शन, तीसरा होता है सिक्रीशन। अब तुम कहोगे कि मैम ये क्या चीजें हैं, तो बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब होता है कि बड़ी तेजी से एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में, तो ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है और एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये जो ब्लड फिल्टर होकर जाएगा वो ऑब्वियसली वोमेंस कैप्सूल में आता है, उसके स्पेस में आता है, तो दिस इज द वोमेंस कैप्सूल। तो ये पूरा फिल्ट्रेशन पूरे प्रेशर के साथ हो रहा है, ठीक है, वोमेंस कैप्सूल में आता है, तो पूरा फिल्ट्रेशन पूरे प्रेशर, हाई प्रेशर में हो रहा है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब ब्लड का ऑलमोस्ट चीजें फिल्टर होकर आ जाती हैं। तो ब्लड का क्या फिल्टर होकर आता है इसमें, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यहां पे ऑल प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑलमोस्ट इसमें प्रेजेंट होता है, मतलब ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, ऑलमोस्ट प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट होगा। तो जो भी प्लाज्मा का कंपोजिशन है चीजें ऑलमोस्ट उसे फिल्टर आउट होकर आ जाती है। तो ऑलमोस्ट प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सेप्ट प्रोटीन, तो ब्लड प्लाज्मा आपको पता है यार, ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं, वाटर, मैक्सिमम वाटर होता है और भी कुछ कुछ चीज डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। तो प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सेप्ट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को छोड़कर सारी चीजों, सारी जो ब्लड प्लाज्मा है वो फिल्टर होकर आ जाती हैं। तो ऑब्वियसली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये सब फिल्टर नहीं होती हैं, क्योंकि ब्लड में ये ब्लड कॉर्पसल का पार्ट है, तो ब्लड कॉर्पसल फिल्टर नहीं होता है, प्लाज्मा में से चीजें फिल्टर होकर आ जाती है। और पता है पर डे कितना फिल्टर होकर आता है, तो पर डे अगर हम देखेंगे फिल्ट्रेशन रेट को तो कितना फिल्टर होकर आता है, फिल्ट्रेशन रेट है 180 लीटर।
समझ लो, पर डे बार बार ब्लड आएगा जाएगा, तो 180 लीटर पर डे फिल्टर होकर यहाँ आता है। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा 180 लीटर फिल्टर होकर आ रहे हो, इतना तो हम यूरिन में डालेंगे थोड़ी, है ना। तो मतलब 180 लीटर फिल्टर होकर आया, ब्लड प्लाज्मा का सारा कॉन्स्टिट्यूएंट, लाइक क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ब्लड प्लाज्मा में, तो बच्चा उसमें वाटर होता है, इसमें शुगर होता है, इसमें अमीनो एसिड होता है ना। तो ये सारे होते हैं, सोडियम आयन मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, तो ये सब फिल्टर होकर आ गए। तो पर डे 180 लीटर बन रहा है, नाउ यू कैन इमेजिन इतना फिल्ट्रेशन रेट है। पर क्या ये सारा बाहर जाएगा? नहीं। तो जैसे मम्मी ने कहा कि बेटा चल अपना कमरा साफ कर, तुमने सारे सामान उठा के फेंक दिए बाहर, तो क्या सारा सामान फेंकेगी मम्मी? नहीं, मम्मी देखेगी अरे इसने तो पूरा रूम साफ कर दिया है अपना, पूरे अच्छे सामान भी फेंक दिए, तो चल बेटा अच्छी चीजें वापस अपने रूम में ले जा, यही होगा। तो सेम यहां पे भी यही स्टेप होगा, सेकंड स्टेप विल बी रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन किसका होगा? अच्छी चीजों का होगा। तो जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, यानी बॉमेंस कैप्सूल जो है चीजों को लेकर जाएगा, पीसीटी में पहली जो कॉइल ट्यूब है उसमें लेकर जाएगा, तो इसमें लेकर जाएगा, ठीक है। तो ये पीसीटी है, इसमें लेकर जाएगा। तो अब पीसीटी से जो है वो अच्छी अच्छी चीजें वापस आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो पीसीटी के सेल होते हैं ना, पीसीटी में जो सेल होते हैं वो होते हैं माइक्रोविलाई, उनमें होता है माइक्रोविलाई। तो यहां पे याद रखना, माइक्रोविलाई वाले सेल होते हैं पीसीटी के अंदर वाली लाइनिंग में। और हमें पता है यार माइक्रोविलाई क्या करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, सिंपल सी बात है। तो जिसके वजह से, तो इसमें माइक्रोविलाई क्यूबॉइडल एपिथीलियम होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम माइक्रोविलाई के साथ। तो ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम यहाँ पे प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई उसमें प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम सरफेस, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन चीजों का, यानी चीजें वापस पीसीटी से वापस ब्लड में आ जाएंगी, तो मैक्सिमम चीजें यही रीअब्सॉर्ब हो जाती है, 80% रीअब्सॉर्प्शन चीजों का यही हो जाता है। तो 80% रीअब्सॉर्प्शन हैपन हियर, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और बाकी का जो 20% रीअब्सॉर्प्शन है वो बाकियों की ट्यूब में होता है, जैसे डीसीटी में होगा, कुछ कलेक्टिंग डक्ट में होगा, है ना। तो सारी ट्यूब में रीअब्सॉर्प्शन होता है, लेकिन मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन किस में होता है बच्चा? पीसीटी में होता है, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन। तो अब तुम कहोगे कि मैम रीअब्सॉर्प्शन मतलब क्या है? तो रीअब्सॉर्प्शन मतलब बच्चा जो चीजें फिल्टर होकर आई हैं ग्लोमेरुलस से, तो जो भी फिल्टर होकर यहाँ पे आता है दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मतलब ग्लोमेरुलस से चीजें फिल्टर होकर आ गई हैं वोमेंस कैप्सूल में। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उससे अच्छी चीजें वापस ब्लड में आएंगी, वापस बॉडी में आएंगी। तो मतलब फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, गुड थिंग्स और गुड जो भी हमें चाहिए होंगी, सारी चीजें जो चाहिए होंगी यूजफुल चीजें, वो सब रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। सो आउट ऑफ दिस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट मैक्सिमम सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब वापस से आ जाएंगी बैक इन ब्लड और बैक इन बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड में वापस, यानी ब्लड में वापस आ गए, तो मतलब पीसीटी से वापस ब्लड का पार्ट बन गई है अच्छी चीजें। तो आउट ऑफ, मैंने कहा पर डे 180 लीटर फिल्ट्रेट जो बना था उसमें से कितनी पर डे वापस आ जाती है? 99% रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो मतलब याद रखना कि 99% चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। तो 99% मैक्सिमम मतलब 99% चीजें वापस रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। तो ओनली ओनली अगर हम 99% निकालेंगे तो ओनली 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट आउट पर डे इज एक्सक्रीट आउट। तो अब आप सोच सकते हैं कि 180 लीटर में पर डे इतना ही बाहर निकलेगा, बाकी 90% रीअब्सॉर्ब हो गया। तो मतलब बाकी जितना भी था 179,
178.5 जो एमएल है वो सब लीटर जो है वो सब रीअब्सॉर्ब हो जाता है. तो निकलता सिर्फ इतना ही है, बाहर बॉडी से सिर्फ इतना ही जाता है, मैक्सिमम रीअब्सॉर्ब हो जाता है और मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी करता है. तो जितने भी जैसे शुगर हो गए, ऑल शुगर, ऑल अमीनो एसिड, यही होते हैं रीअब्सॉर्ब पीसीटी में. उसके अलावा जो भी है वाटर, मैक्सिमम वाटर, मैक्सिमम वाटर यही रीअब्सॉर्ब होगा. 80% सोडियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, ये सब यही रीअब्सॉर्ब होता है. 80% रीअब्सॉर्प्शन मैंने कहा अकेला पीसीटी करता है, और बाकी ट्यूब, बाकी का बचा कुचा, बाकी 20% अदर ट्यूब्स करती है. लेकिन यहां पर यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है. उसके बाद बच्चा अब तुम कहोगे कि मैम फिर लूप ऑफ सिक्रीशन क्या होता है. तो बच्चा सिक्रीशन मतलब होता है कि कभी कभी जैसे तुम, मम्मी ने कहा कि बेटा जो भी तुमने चीजें सेलेक्ट करके बाहर फेंकी है उसमें से अच्छी चीजें अंदर ले जाओ, तुम अंदर ले आए, दैट इज रीअब्सॉर्प्शन. अब कुछ सेलेक्टेड चीजें बाहर बची हैं, लेकिन फिर मम्मी तुम्हारे रूम में आए तो मम्मी ने कहा रे तू तो फिर से गंदगी ले आया, चल इन सारी चीजों को बाहर रख ले, तो कुछ चीजें दोबारा बाहर रखने के लिए कहेंगी. तो सेम वही होता है कि ब्लड में फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने के बाद भी कभी कभी ब्लड में गंदा रह जाती, गंदगी मतलब कुछ वेस्ट रह जाता है. तो अब वो वेस्ट उस ब्लड से रीनल टिब्यूल में पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज के थ्रू आ जाता है. तो दैट इज सिक्रीशन. सिक्रीशन मतलब वेस्ट जो अभी भी बचा हुआ है, वेस्ट जो कि अभी भी प्रेजेंट है इन पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, यानी ब्लड में अभी प्रेजेंट है. तो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज जो कि ब्लड का पार्ट है, इसमें अगर अभी भी वेस्ट है तो इट विल रिलीज आउट इन ट्यूब. तो ये वापस से रीनल ट्यूब में एंटर हो जाएंगी, और मेनली रीनल ट्यूब में वापस से एंटर, रीनल टिब्यूल में वापस से एंटर हो जाएंगी, ठीक है. तो रीनल टिब्यूल आपको पता है पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, इन सब में वापस आ जाएंगे. तो जो भी गंदगी है ब्लड में बची हुई अभी भी, वो वापस से ट्यूब में आ गई. तो जो भी ब्लड से गंदगी है वापस ट्यूब में आ गई. तो दैट इज सिक्रीशन. गॉट इट? ये सिक्रीशन होता है. तो सिक्रीशन का मेन पर्पस होता है बच्चा एसिड बेस बैलेंस करना. एसिड बेस बैलेंस, पीएच बैलेंस करना होता है, पीएच बैलेंस करना होता है. तो ये इसका मेन पर्पस है. रीअब्सॉर्प्शन का पर्पस क्या है? जो अच्छी चीजें हैं वो वापस ब्लड में लेकर आना. और आपको पता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो मतलब अंधा फिल्ट्रेशन है कि जो भी मिल रहा है सब फेंक दिया बाहर, लेकिन रीअब्सॉर्प्शन अच्छी चीजों को वापस ला रहा है. और सिक्रीशन जो ब्लड में अभी भी बेकार चीजें हैं उसको वापस से रीनल टिब्यूल में एक्सक्रीट आउट कर रहा है. तो फाइनली अब जाकर बनेगा एक्सक्रीशन, अब जाकर यूरिन बनेगा. तो आप बोल सकते हैं कि एक्सक्रीशन किन चीजों का होगा? तो एक्सक्रीशन उन चीजों का होगा जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से फिल्टर होकर गया, उसमें से अगर आप माइनस कर दोगे रीअब्सॉर्प्शन को और इसमें प्लस कर दोगे सिक्रीशन को. तो मतलब सिक्रीशन को प्लस कर दो, रीअब्सॉर्प्शन को माइनस कर दो. तो अब जो बचा, बचा कुचा 1.5 लीटर बचा, वो एक्सक्रीट आउट होगा, उसको यूरिन बोलते हैं. तो यूरिन का कंपोजिशन आपको भी पता है कैसा होता है, पीली पीली होती है, येलो कलर का पिगमेंट होता है उसमें, राइट. तो ऑब्वियसली यूरिन जो होती है बच्चा, दैट इज दी 1.5 to 1 लीटर ये सिक्रीट होती है पर डे. लाइट येलो कलर की होती है बिकॉज इट इज हैविंग दी सम यू नो पिगमेंट्स, यूरोक्रोम पिगमेंट होता है. तो यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से ये पीली होती है, सिंपल बात है. उसके अलावा जो यूरिन है ना वो एसिडिक पीएच होता है इसका. तो इसका पीएच कितना होगा? 6 होता है, एसिडिक पीएच है. और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? तो सिंपल सी बात है यार, इसमें प्रेजेंट होगा वॉटर, इसमें प्रेजेंट होंगे वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, है ना. तो इसका कंपोजिशन अगर देखेंगे तो इसमें क्या होगा? वाटर होगा, इसमें होगा यूरिया, और क्या क्या होगा इसमें? कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स भी होंगे, ठीक है, वो जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, नॉट फैट सॉल्युबल विटामिन. उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अलग दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, है ना. कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट जैसे पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, तो कुछ सोडियम आयन होंगे. तो ये सारा यूरिन का कैरेक्टर्स एंड कंपोजिशन है. यूरिनरी ब्लैडर में भरेगा, और जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यू नो कितना
कम से कम जब 500 ml भर जाता है यूरिन, तो फिर हमें फीलिंग आती है कि अब तो भागना चाहिए, तो फिर कंट्रैक्ट होकर सारा यूरिन बाहर। तो बच्चा जो भी कंट्रैक्शन होता है यूरिनरी ब्लैडर का, वो सारा हमारा नर्वस कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जो भी यूरिनेशन होता है वो न्यूरल रिफ्लेक्स है, यानी ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब यहाँ पर ये है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी हीमोडायलिसिस, राइट। तो अगर किसी की किडनी खराब हो जाए, तो सपोज किसी की किडनी हो गई फेल, तो किडनी फेलियर के कंडीशन में उसको उसका हीमोडायलिसिस किया जाता है। तो हीमोडायलिसिस मतलब होता है ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड को फिल्टर करना। हीमो मतलब ब्लड, डायलिसिस मतलब फिल्टर करना। तो कैसे फिल्टर होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्यूब दिख रही है आपको, ये वाली ट्यूब, ये पूरा चेंबर है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, जिसमें कौन सा फ्लूइड है, डायलिसिंग फ्लूइड है। तो बच्चे ये फ्रेश डायलिसिंग फ्लूइड को इस ट्यूब के अंदर, ये येलो येलो जो दिख रहा है, इस ट्यूब के अंदर भर दिया। तो इसका कंपोजिशन सेम ब्लड जैसा होता है, सेम एज ब्लड, लेकिन एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट और कुछ एक्सेस चीजें इसमें नहीं होती हैं। तो एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट एंड सम वाटर, एक्सेस वाटर या कोई भी सब्सटेंस। तो यहाँ पे क्यों नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं, कुछ एक्सेस सब्सटेंस नहीं होते हैं, क्योंकि ब्लड जो हम पेशेंट, जिस पेशेंट की किडनी खराब है, तो उसकी यहां से फोर आर्म की आर्टरी होती है, आर्टरी से ब्लड लिया जाता है। तो ब्लड जो है फोर आर्म की आर्टरी से लेंगे और फिर उसको पंप करेंगे इसमें, इन ट्यूब्स में, ये लाल ट्यूब दिख रही है ना, तो ये ट्यूब होती है सेलोफेन ट्यूब। सेलोफेन जो होता है बच्चा, सेलोफेन मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। तो ये मेम्ब्रेन जो होता है वो बिल्कुल सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेलेक्टेड चीजों को बाहर फेंकेगा, सेलेक्टिवली परमिएबल है। और चीजों को कैसे फेंकेगा, डिफ्यूजन के थ्रू। तो जो भी एक्सेस वाटर है वो सब बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकल जाएगा। तो ये मतलब यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर फेंकेगा, एक्सेस में कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसको बाहर फेंकेगा, अगर यहाँ पे कुछ और नाइट्रोजनस वेस्ट या एक्सेस वाटर है उसको बाहर फेंकेगा। चीजें फिल्टर आउट होंगी डिफ्यूजन के थ्रू। तो यहाँ पे ये सारे डिफ्यूज आउट होती हैं। तो डिफ्यूज आउट क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो फ्लूइड है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट कम है, और ऑब्वियसली जो ब्लड आ रहा है गंदा ब्लड है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकल आएगा डिफ्यूजन के थ्रू। तो सेलोफेन ट्यूब का एक तो सेलेक्टिवली परमिएबल है, दूसरा ब्लड और डायलिसिंग फ्लूइड को सेपरेट कर रहा है। तो जो ब्लड आ रहा है उसको डायलिसिंग फ्लूइड से अलग कर रहा है, जिससे इजिली चीजें डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल सके। तो जो भी एक्सेस में चीजें प्रेजेंट होंगी ब्लड में, सब डिफ्यूज आउट हो जाएगा। और फाइनली जो फिल्टर्ड ब्लड है वो वेन के थ्रू, याद रखना बच्चा, वेन के थ्रू वापस बॉडी में डाला जाता है। लेकिन आर्टरी से जब ब्लड निकाल रहे ना, तो इस ट्यूब में डालने से पहले उसमें एंटी कोगुलेंट डाला जाता है, जिससे कि खून जम ना जाए, क्योंकि हमें पता है जैसे ब्लड बाहर आता है वो जम जाता है। तो उसको ना जमने देने के लिए यहाँ पे एंटी कोगुलेंट, हिपारिन जैसी चीजें यूज करी जाती है। और जब वापस से हम ब्लड में इसको डाल रहे हैं, बॉडी में डाल रहे हैं, तो उस हेपारिन को हटा देते हैं, राइट। तो हेपरिन को रिमूव कर दिया जाता है जो हमने ऐड किया था, तो रिमूव हेपरिन, तो यहाँ पे ये भी किया जाता है। तो बच्चा ये चीज आपको याद रखनी है। और जो भी यूज्ड फिल्ट्रेट है, जो भी गंदगी चीजें फिल्टर हो रही हैं, वो वापस इसमें आ जाती हैं। यूज्ड डायलिसिंग फ्लूइड इसमें आता है, फ्रेश अंदर जाता रहता है। तो डिफ्यूजन के थ्रू ये वंडरफुली सारी बेकार चीजों को हमारी ब्लड से फिल्टर आउट कर देता है। तो दिस इज द हीमोडायलिसिस, राइट। तो बच्चा आई एम श्योर ये सारी चीजें सबके माइंड में अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे डायलिसिस चीजों को रिमूव कर रहा होता है, डिफ्यूजन के थ्रू चीजें बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, एक्सेस वाटर नहीं है, तो जो भी चीजें एक्सेस में ब्लड में होंगी वो बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, और वापस से अच्छा ब्लड बॉडी में भेज दिया जाता है। सो थैंक्स अ लॉट, आई एम श्योर एक एक चीज आपको सबको क्लियर हुई होगी। तो बच्चा सी यू ऑल विद द नेक्स्ट टॉपिक, एंड इफ यू हैव नॉट ज्वाइन एकलव्य बैच, आपको पता है इसके बारे में, तो प्लीज एनरोल फॉर दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका पार्ट बन सकते हैं। और एकलव्य बैच में हमारे सारे के सारे स्कॉलरशिप बच्चे होते हैं, छोटा बैच साइज है, फॉर फ्री है, बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री, मैक्सिमम सिलेक्शन है इस बैच से हमारे। और यहाँ पे पर्सनल अटेंशन आपको टीचर का मिलेगा, आपको सारे के सारे डाउट सारे सेशंस मिलते हैं आपको यहाँ पे, राइट।
आपके जो भी टेस्ट होंगे उसकी एनालिसिस आपको मिलती है, तो इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट लास्ट टाइम इंप्रूवमेंट विद योर टेस्ट, राइट? तो चलो बच्चा, हैव अ ग्रेट डे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. आई होप यू लाइक दिस सेशन. हैव अ ग्रेट डे.